homemade body lotion for skin light and brighten and glowing. Hello friends, I am Indu, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बॉडी लोशन. अगर आप ये बॉडी लोशन यूज करते हो तो आप अपनी स्किन पे इम्प्रूवमेंट कर पाओगे. ये बॉडी लोशन हर कोई यूज कर सकता है गाइज. बाहर से आप इतने महंगे महंगे बॉडी लोशन खरीदोगे तो घर पे बॉडी लोशन बनाते हो तो वो बॉडी लोशन आपके मॉइस्चर का तो काम करेगा, यानी आपके स्किन पे मॉइस्चर तो बना के रखेगा बट आपकी स्किन को लाइटन करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन को इवन रखेगा. ओके, आपकी स्किन को इवन बनाएगा. स्किन प्रॉब्लम में अनइवन स्किन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इससे हमारी स्किन जो होगी इवन होगी. स्किन में आप खुद इम्प्रूवमेंट होता हुआ देख सकोगे. ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ ये बॉडी लोशन कैसा है. तो गाइस ये हमने बनाया है अपना बॉडी लोशन और आप देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है. ओके, और ये आपके स्किन पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा. आपको ऑयल सा फील नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी अपने हैंड पे लगाया है एंड मुझे कोई ऑयल सा फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये बॉडी लोशन ये नहीं कि मैंने अभी बनाया है. मैं इसे काफी टाइम से बना रही हूँ और इसे मैं खुद यूज करती हूँ पर्सनली और मुझे ये काफी अच्छा लगता है तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गाइस. क्योंकि हम कितने बाहर से महंगे महंगे बॉडी लोशन खरीदते हैं बट जो हमें शॉकिंग रिजल्ट अपने घर पे बनाए हुए बॉडी लोशन से मिलेंगे वो आपको बाहर के किसी भी बॉडी लोशन से नहीं मिलने वाले हैं. बाहर के बॉडी लोशन में थोड़े बहुत केमिकल होते हैं जो स्किन पे हार्म भी पहुंचा सकते हैं. अगर बाहर के बॉडी लोशन लेने से बचते हो तो ये वाला बॉडी लोशन आप अपने लिए बना सकते हो. तो ये मैं दिखाई देती हूँ, देखो कलर कितना अच्छा आया एंड इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो और मैं आपको अपने हाथ पे लगा कर दिखाती हूँ. ओके, ये थोड़ा सा ही बहुत होगा बट आपकी स्किन में जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है वो आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है. इससे क्या है, आप अपनी स्किन में खुद सुधार होता हुआ देख सकोगे, आप अपनी स्किन को इवन कर पाओगे, आप अपनी स्किन को ग्लो कर पाओगे, आप अपनी स्किन को शाइन दे पाओगे एंड आप अपनी स्किन को लाइटन कर सकते हो. ये जो बॉडी लोशन है आपकी स्किन को 2-3 शेड तक लाइटन कर देता है. ये क्या इसे बॉडी पे ही लगा सकते हैं? आप इसे बॉडी पे भी लगा सकते हैं एंड आप इसे फेस पे भी लगा सकते हैं. ये फेस के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें कोई हार्म केमिकल नहीं है. घर पे बनाया हुआ है, हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है एंड देखो ये अब तक एब्जॉर्ब हो गया, आप देख सकते. 2 मिनट भी नहीं लगते इसको एब्जॉर्ब होने में और आपके स्किन पे इतनी शाइन आएगी आप खुद देखोगे. आपको शायद कैमरे के पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा बट मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो आने वाला है. चिपचिपाहट कुछ भी नहीं है. कम से कम सस्ता से सस्ता ये बॉडी लोशन लेकर आओगे तो 100 रुपए से ऊपर तो बॉडी लोशन आता ही आता है, सस्ते से सस्ता बॉडी लोशन भी. ओके, आप हार्डली 15-20 रुपए में बना लोगे. बाहर वाले बॉडी लोशन से 100 गुना अच्छा रहेगा. इसमें कोई केमिकल नहीं है. बाहर वाले बॉडी लोशन में थोड़े बहुत केमिकल डाले हुए होते हैं, उसमें उनके प्रोसेस में केमिकल का यूज किया हुआ होता है, थोड़े बहुत केमिकल का यूज किया होता है. मुझे पर्सनली ये लगता है कि कभी भी स्किन केयर के लिए आपको बाहर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. स्किन केयर हम थोड़ा छोटे मोटे DIY करके आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि उससे आप अपनी स्किन पे चार चांद लगा सकते हो. DIY काफी सस्ता भी पड़ता है, आप अपनी स्किन को मेंटेन कर पाते हो बिना ज्यादा कॉस्ट के. ओके, क्योंकि बाहर का अगर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए निकलेंगे तो काफी सारे खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी चीज काफी महंगी आती है. और एक बार तो मेरे कहने पर आप जरूर बनाइएगा इसको. ओके, बॉडी लोशन को. और गाइज अब ऐसे में ठंड आ रही है तो ठंड में तो बॉडी लोशन आपको लगाना ही चाहिए, गर्मी में लगाना चाहिए, ठंड में लगाना चाहिए, हर मौसम में बॉडी लोशन का यूज करना चाहिए क्योंकि हमें स्किन केयर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. क्योंकि जहां पर हम स्किन केयर से पीछे हटे वहां पर हमारी स्किन डल, डैमेज और खराब दिखने लगती है. अगर आपकी स्किन पे सन टैन हो गया है, सन बर्न हो गया है तो ये इसको भी रिपेयर करता है. आप खुद देखो कि इसको रिपेयर कर रहा है. ठीक है, थोड़े दिन लगाइए, आपको 20-25 दिन में फर्क नजर आ जाएगा और आप अपनी स्किन पे ग्लो देख पाओगे. आपको ये लगाना कैसे, आप तो जब भी नहाते हो दिन में 2 बार यूज कर सकते हो. ओके, वैसे बॉडी लोशन दिन में 2 बार यूज कर लेना चाहिए और बॉडी लोशन सर्दियों में तो हमें 2-3 बार जरूर यूज कर लेना चाहिए. जब भी हाथ धोने के बाद भी आपको बॉडी लोशन यूज करना चाहिए. अगर आपकी झुर्रियां भी आ रही है ना तो उसको भी रिपेयर करता है. झुर्रियां हैं तो उसको भी रिपेयर करता है. हाथ में किसी किसी की झुर्रियां बहुत हो जाती है, पैरों पे हो जाती है तो उसको भी रिपेयर करता है. गाइस मेरे कहने पर तो आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा और आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे. सो गाइस अब बनाते हैं अपना होममेड बॉडी लोशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो.
होममेड बोर्डलो से बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा पपीता। कच्चा पपीता बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को लाइटर करता है, ब्राइटन करता है एंड स्मूथ रखता है और आपके बालों की ग्रोथ को भी। अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो आप इसे फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप इसे फेस पे यूज़ कर रहे हो तो आप अपने आईब्रो को छोड़ दीजिएगा। क्या होता है पपाया में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हेयर की ग्रोथ को कम करता है। ओके, पपाया के अंदर से बीज एंड छिलका निकाल लेना है और उसको काट लेना है। अब हमें चाहिए होंगे दो टमाटर, दो टमाटर को भी हम काट लेंगे। फिर हमें चाहिए गुलाब जल, गुलाब जल मैं 2 स्पून डालूंगी, यानी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप 2 स्पून नाप के भी डाल सकते हैं। और इन सभी को हम पीस लेंगे। ओके, पीस के हमें एक सूती कपड़े से हमें इसको छान लेना है, यानी हमें उसका जूस निकाल लेना है। सारा जूस आपको निकाल लेना है। ये देखिए गाइस कितना सारा जूस निकल गया है। अब हमें चाहिए होगा ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल हम इसमें डालेंगे 4 स्पून। अब हमें चाहिए होगा बादाम रोगन तेल यानी स्वीट आलमंड ऑयल, ये भी हम 4 स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें चाहिए ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हम इसमें 2 स्पून ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 नींबू को निचोड़ लेंगे, 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। जिसको नींबू सूट नहीं करता वो नींबू को स्किप कर सकता है, अदरवाइज आप इसमें मिक्स करके डालोगे तो आपको सूट कर जाएगा। ओके, तो 1.5 स्पून हम इसमें अरारोट पाउडर को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है 1.5 स्पून इसमें ऐड करना है, ज़्यादा अरारोट पाउडर इसमें ऐड नहीं करना है। और उसको हम अच्छे से घोल लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे, अरारोट पाउडर को इसमें हम मिक्स कर लेंगे, उसमें लम्ब्स ना पड़े। ओके, तो कोई भी गुठली ना पड़े इसलिए अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। फिर डबल बालोर प्रोसेस की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा हीट देंगे। अब देखिए गाइस हम इसको हीट देंगे और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। बार बार में आपको चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। ओके, ये आपका 8 से 10 मिनट में अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, जिससे कि आप एक बॉडी लोशन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए गाइस कितना गाढ़ा हो गया है और इसमें मैंने 8 से 10 ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की ऐड कर ली है। आप चाहो तो कोई भी एसेंशियल ऑयल खुशबू के लिए ऐड कर सकते हो कि जो आपके पास में अवेलेबल हो। और हम इसे किसी भी कंटेनर में ऐड कर देंगे। तो गाइस मैंने एक कंटेनर में ऐड कर दिया है और इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और ठंड में आप बाहर भी रख सकते हो, बट अगर आप बाहर रखते हो तो 10 दिन के बाद में आप दूसरा बैच बना सकते हो। फ्रिज में ये 15 दिन आराम से चल जाएगा। ओके, आपको उसको अपनी बॉडी पे लगाना है और आप इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा फेस के लिए भी। बस आप इसे अपनी आईब्रो पर मत लगाइएगा क्योंकि ये बाल की ग्रोथ को कम करने का भी काम करता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है कर देना एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा। और यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उसे जब दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।